तो न्यूज नेशन से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा है, शरद पवार जी घर तोड़ने में माहिर हैं, बीजेपी गद्दार नहीं है, सबसे बड़े गद्दार उद्धव ठाकरे हैं। महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी सभा हुई और केजरीवाल आए थे, वो बोले कि जेल में से छुटकर मैं आपके पास पहुंचा हूं। एक बयान उन्होंने दिया है जिसका असर हो सकता है, शायद उन्होंने कहा कि 1-4 जून के बाद अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उद्धव ठाकरे जेल में हो गए, शरद पवार जेल में हो गए, केजरीवाल जेल में हो गए। तो ये यानी ईडी सीडी के लिए उन्होंने बताया, तो इसको कैसे मतदाताओं का भी, मुंबई का भी 6 सीटें है, उसके ऊपर महाराष्ट्र की 13 सीटें का मतदान है। देखिए, इसका कोई असर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि लोगों को मालूम है केजरीवाल खुद जेल में है, विशेष जमानत उनको दी गई है केवल प्रचार करने के लिए, और 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। कोर्ट ने यह कहा है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ केस बनता है, इसलिए इनको रेगुलर बेल नहीं दी जा सकती। तो एक प्रकार से अपराधी के रूप में आज वो जेल में है और केवल प्रचार के लिए आए। मुझे ऐसा लगता है कि एक डर पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपप्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शायद मन से उनको ये लगता होगा कि मैं अकेला क्यों रहूं, मेरे साथ कोई और आ जाए, ये भी हो सकता है उनकी मंशा हो, उनके साथ लोग आए। देखिए, ये जो मोदी जी की सरकार है, ये सरकार जो गलती करता है उस पर कार्रवाई करती है, जो गलती नहीं करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन यही मुद्दा लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये सब बोल रहे कि बीजेपी जो है वो डर दिखाती है, आपको जेल में डालेगी, संविधान बदल देगी, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी लोगों को समझाने की। देखिए, पहली बात तो ये है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी रोज सालों से बेसिर पर बातें मोदी जी के बारे में करते, गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे करते, गली का नेता जिस प्रकार से बात करे वैसी बात वो करते, ओछी बात करते, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकतंत्र है, किसी को बेइज्जत होकर बात करनी है तो कर ले, वो कर रहे। और जहाँ तक संविधान का सवाल है, तो मोदी जी ने तो इनका पर्दाफाश कर दिया। 70 सालों तक इन्होंने भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। सामाजिक न्याय, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण जम्मू कश्मीर में 70 साल नहीं मिला। मोदी जी ने 370 हटाकर वहाँ देश का संविधान लागू किया तो वहाँ पर आरक्षण लागू हुआ। आरक्षण देने वाले मोदी जी है, लेने वाले मोदी जी नहीं है। अदानी का नाम बार बार लेते हैं कि ये देश में, यानी उद्धव ठाकरे भी लेते हैं, केजरीवाल भी लेते हैं कि 2 लोगों के हाथ में मोदी जी देश देने वाले हैं। तो ये जब आप प्रचार करते थे कि नहीं, ये सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे तो नहीं होगा, 370 हटाया जो अदानी के लिए जमीन लेनी थी, तो ये थोड़ा मुश्किल था प्रचार के। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, 370 हटकर कितने दिन हो गए, कौन सी जमीन ली अदानी ने, कौन सी जमीन ली, ये सरकार ने कोई जमीन दी उनको? देखिए, ये सारी बातें जो है ना, आज इन लोगों को ये सुहाता नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जब 370 हट रहा था तो ये कहते थे कि खून की नदियाँ बहेगी, खून की नदियाँ छोड़ दीजिए, पत्थर बरसाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदल गई है, वहाँ का जन जन आज भारत की बात करता है, और जम्मू कश्मीर के देखा देखी जब ये हालात बदले तो आज आंदोलन कहाँ चल रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो कहते हैं हमको जम्मू कश्मीर के साथ जाना है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और देखिए, ये लोग केवल अलगाववादियों के साथ चर्चा करते थे, उनका साथ देते थे, अब इनका पर्दाफाश हो गया तो ये लोग इस प्रकार की बातें करते। अगर भूख लगी है लोगों को, रोजगार की भूख है, नौकरी धंधे की भूख है, तो पाकिस्तान का डर दिखाते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी, ऐसा भी कह रहे हैं राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी बेसिर पैर की बात करते हैं, आप भी उनको गंभीरता से मत लीजिए।
लोगों का आपके ऊपर विश्वास उड़ जाएगा आप अगर उनको गंभीरता से लोगे। बात को समझिए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी तक राहुल गांधी का या कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इस देश में सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने राज किया, क्यों देश में बेरोजगारी रही, क्यों गरीबी रही? और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को झोपड़ी से पक्के मकान में लाया है, 10 सालों में 50 करोड़ लोगों के घर गैस दिया है, 55 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया है, 60 करोड़ लोग जो 70 सालों के बाद भी अपने घर में पानी नहीं इसलिए नदी पर जाकर कुएं पर जाकर पानी भरते थे उनके घर में पानी पहुंचाया है, 64 करोड़ लोगों को 10 लाख तक का मुद्रा का लोन देकर अपने पैरों पर खड़ा किया है, 80 लाख बचत गट तैयार करके 8 लाख करोड़ देकर 10 करोड़ महिलाओं को अपने पांव पर खड़े करने वाले मोदी जी है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए ये राहुल गांधी बेसिर पैर बातें करे इससे लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए दोनों बार ये पराजित हुए। और इस बार तो जितने राहुल गांधी की उम्र है उतनी भी सीटें उनको नहीं मिलने वाली। प्रधानमंत्री के भाषण में ये मुद्दे नहीं आते, ये बार बार कहा जा रहा है। अभी आपने घर की बात कही है, आपने जो 10 साल में हुआ ये बताया, ये अपोजिशन कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री ये इन मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? अपोजिशन प्रधानमंत्री का भाषण तो सुनता नहीं, आप तो सुनते हैं ना। प्रधानमंत्री के भाषण में 90% वो विकास के ऊपर बोलते हैं, क्या किया, क्या करने वाला हूँ, क्या होने वाला है, ये चीज़ें बोलते हैं। और 10% वो जवाब देते हैं, क्योंकि ये लोग अगर रोज़ झूठे आरोप लगाएंगे और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो लोगों को सच लगता है। लेकिन मैं उल्टा सवाल आपको पूछता हूँ, चाहे वो राहुल गांधी का भाषण हो, उद्धव ठाकरे का भाषण हो, शरद पवार जी का भाषण हो, एक विकास की बात करते, एक गरीब कल्याण की बात करते, भाषण शुरू करते मोदी जी को गाली देकर, मोदी जी को गाली, फिर 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 मोदी जी को गाली, और अंत में मोदी जी को गाली, इसके सिवा इनके भाषणों में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये किस मुंह से सवाल पूछते हैं? अरे भाई, आप देश का चुनाव लड़ रहे हो, दिल्ली का चुनाव है, गली का नहीं है। एक तो बात बताओ, आपने क्या किया है और आप क्या करने वाले? कुछ नहीं बोलते। ये पूरा चुनाव जो है गद्दार ये शब्द के ऊपर जा रहा है और वो बार बार सभा में बोल रहे हैं। तो महाराष्ट्र का एक कल्चर है कि घर अगर कोई फूटता है तो बुरा लगता है लोगों को, तो उसका भी कुछ असर दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे आपने संभाला है? सबसे बड़े गद्दार कोई होंगे तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के मैंडेट से गद्दारी की और बाला साहेब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, और आज जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के मन में उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। और जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, इस देश में पार्टियाँ तोड़ने, घरों को फोड़ने के एक्सपर्ट शरद पवार जी हैं। एक आखिरी सवाल, और वो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में और अगले आने वाले 7वें चरण में भी चर्चा में आएगा, कि नरेंद्र मोदी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, उनकी 75 साल पूरे हो गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, ये उद्धव ठाकरे ने भी कहा। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे ऐसा कहते हैं, ऐसा उनको अभी सपने में भी मोदी जी दिखते हैं और वो रोज़ माला जप रहे, मोदी जी रिटायर हो जाए, मोदी जी रिटायर हो जाए, मोदी जी रिटायर हो जाए। पर मैं उनको साफ शब्दों में कहता हूँ, राजनीति में जनता ही रिटायर कर सकती है और जनता मोदी जी के साथ। बीजेपी के नॉर्म्स है ना, बीजेपी ने नियम बनाए। एक मिनट बात को समझ लीजिए, एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि बीजेपी के नियम है। नियम क्या है? नियम ये है कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ना है, 75 साल से पहले चुनाव लड़े तो आप अपनी टर्म पूरी कर सकते हैं, ये बीजेपी के नाम से। मोदी जी 75 साल के नहीं है, इसलिए मोदी जी ये टर्म तो पूरी करेंगे ही, लेकिन ये बीजेपी के नाम से नहीं है, ये बीजेपी ने एक
अपनी पार्टी में अनुशासन लाने के लिए किया है। लेकिन अगर हम सारे कार्यकर्ता मिलकर कहेंगे 2029 में भी कि नहीं मोदी जी चाहिए, तो कौन रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप न्यूज़ स्टेशन के लिए बात की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है, और अभी के चुनाव नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव हुए या मुंबई महानगर पालिका के, मैं यही रुकता हूँ, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।